तो कोरोना वैक्सीन के लिए हरियाणा के कई जिलों में ड्राई रन की शुरुआत की गई, जहां सोनीपत में 6 स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन किया गया। वहीं अम्बाला के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कर्मचारियों के लिए ड्राई रन शुरू किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने का ट्रायल हुआ। इस दौरान जिला उपायुक्त और स्वास्थ्य विभाग के CMO ने मौके पर पहुंचकर ड्राई रन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अलग अलग चरणों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त पाया गया। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सफल ड्राई रन किया। सोनीपत के छोटूराम धर्मशाला में CMO और स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी में ये ड्राई रन किया गया। इस दौरान मॉकड्रिल की तरह सभी इंतजामों के साथ सफल प्रयोग किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त SL पुनिया निरीक्षण के लिए पहुंचे और अलग अलग चरण की ड्राई रन के बारे में मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारी और CMO ने उन्हें अवगत कराया, जहां मुख्य गेट पर COVID-19 के नियमों की पूरी तरह से पालना करवाई गई। जिला उपायुक्त ने वैक्सीनेशन को लेकर सभी चरणों का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही उपस्थित कर्मचारियों से वैक्सीन से संबंधित जानकारी भी मांगी, तो वहीं कर्मचारियों ने हर चरण को प्रैक्टिकली दिखाया। आने के बाद में उसका सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वैक्सीनेशन रूम में उसको ले जाके उसकी डिटेल्स को दोबारा से लॉग करके जो हमारा टैब है उस पर लगा के जब वेरीफाई हो गया उसके बाद पेशेंट को पूरा ब्रीफ करने के बाद में वैक्सीन लगाया जाएगा। उसको फिर हिदायत करी जाएगी कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और 28 दिन बाद में उसने दोबारा सेकेंड शॉट के लिए आना होगा। उसके बाद में एक ऑब्जर्वेशन रूम बना हुआ है, ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे तक उसको रखा जाना पेशेंट को जो बेनिफिशियरी जिसको टीका लगा है, और उसके बाद यदि उसमें किसी भी तरह के यदि एडवर्स इवेंट यदि रिपोर्ट होती है तो उसके लिए मेडिकल ऑफिसर है, एम्बुलेंस का भी प्रोविजन है, और एक साथ वाले रूम में जो बेसिक स्टेबिलाइज करने के लिए जो भी प्रिकॉशंस मेडिकल के होने चाहिए उन सब का इंतजाम किया गया है। सर वहीं अम्बाला के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कर्मचारियों के लिए ड्राई रन का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने के लिए ट्रायल किया गया। 20 लोगों के लिए वैक्सीन का ट्रायल रन किया गया। नोडल अधिकारी संजीव शर्मा ने बताया कि वैक्सीन देने के बाद आधे घंटे तक लाभार्थी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जो डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस है हमारा, उसमें हमारे पास 4 लाख वैक्सीन रखने की कैपेसिटी है, और अभी फ्रंट लाइन में जो हमारे पास 8,333 के करीब लोगों को लगना है, तो हमारे पास जब भी वैक्सीन आएगी हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टोर सही है, और 45 हमारे पास जो PHC CHC पे हैं कोल्ड चेन के वो भी हमारे स्ट्रेंथन। पहले चरण में सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के हैं, उनमें से 8,433 के करीब लोग हैं, जिसमें 6,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के हैं और 2,400 के करीब हमारे जो हैं प्राइवेट। बहुत अच्छे से दुरुस्त मिली है और काफ़ी सर ने अप्रिशिएट किया है, और इसी मोमेंटम से हमारे रेस्ट ऑफ जो 5 सेंटर है वहाँ भी। वही ड्राई रन के लिए पहुंचे महिला और पुरुषों ने बताया उनके पास विभाग की तरफ से एक मैसेज आया था, आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाई। वही लाभार्थियों ने बाकी लोगों से भी अपील की है कि वे सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं और अफवाहों पर गौर ना करें। हमने पहले वैक्सीन लगवाने के लिए पहले फॉर्म भरे गए थे हमारे, और उसके बाद हमारे नाम आया है कि वैक्सीन लगेगी हमें, और हमें यहाँ पे बुलाया गया है, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हम वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हैं, और उसके लिए हमें कोई भी ID प्रूफ वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस ड्राई रन के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। फिलहाल सभी जगहों पर ड्राई रन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। अब देखना होगा जब हकीकत में कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी तब क्या प्रशासन के इंतजाम इतने ही दुरुस्त रह पाते हैं। सोनीपत से कविता शर्मा और अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।